हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे उपवन में आप सबका स्वागत है। तो देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल उपवन जैसा। बोगनविलिया माय फेवरेट प्लांट। देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाए वहाँ तक मेरा बोगनविलिया जो है फ्लावरिंग कर रहा है। और ये अभी से नहीं कर रहा है, दिसंबर मंथ से कर रहा है और बड़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है इस पर। ये देखिए, तो आप इस तरह से कैसे अपने बोगनविलिया पर फ्लावरिंग पा सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यही सेम ट्रीटमेंट आप रोज़ पर भी कर सकते हो, क्योंकि रोज़ और बोगनविलिया बिल्कुल रेयर प्लांट होते हैं। मेरे हिसाब से बड़े नखरीले प्लांट होते हैं, इन पर फ्लावरिंग लेना दोबारा तिबारा से काफ़ी कठिन होता है। तो मैं कैसे बिल्कुल इतने लंबे टाइम से, देखिए अभी हमारा मार्च स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर टू मार्च तक कैसे इस पर इतनी अच्छी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा सीक्रेट करने को मैं बहुत कुछ करती हूँ और आज मैं क्या करने वाली हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाना सिखाऊंगी आपको, जो आप इस प्लांट पर डालोगे तो आपको भी काफ़ी लंबे टाइम तक फ्लावरिंग मिलेगी। और लीव्स देख सकते हो आप, कितनी लीव्स हैं इस पर गिन के बताओ कोई, और फ्लावर गिन के बताओ। देखिए, वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है ऑल पर प्रेस कीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। तो चलिए, किचन में हम आ गए हैं। ये देखिए, एक मग मैंने पानी ले लिया है, छोटा सा कप है या आप ग्लास समझ सकते हो, वेस्ट मेरा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है एलम फिटक्री, जो हमारे घर में होती ही है, मैंने पहले ही बोला आपको। तो देखिए, इसको एक टुकड़ा काफ़ी है, ये इतना बड़ा 100 ग्राम के करीब आप ले सकते हो। अगर आपको दो तीन पॉट में डालना है, अगर आपको बहुत सारे पॉट में डालना है तो फिर आप लगभग 250 ग्राम के करीब इसको भिगोना। तो मैंने इसको भिगो कर रख दिया था एक दो घंटे के लिए, ये आराम से घुल जाती है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से घुल चुका है। ये देखिए, बेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बनकर रेडी हो चुका है। और ये हम सबके घर में आसानी से मिल जाता है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में ये ना हो। जिस घर में भी लड़के हैं या फिर आदमी है, उस घर में ये बिल्कुल मिल जाता है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं इसको बोलूँगी, हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने मग में पानी ले लिया है और एक मग से थोड़ा सा कम है पानी, ठीक है। इसमें मैं डाल दूँगी दो ढक्कन के करीब या एक ढक्कन के करीब आप इसे डाल सकते हो। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो हमने इसको अपने नॉर्मल जो वाटर है उसमें मिक्स कर लिया है। देखिए, सुबह मैं वॉचिंग करके चली गई थी, तो अभी सभी प्लांट पे वॉचिंग नहीं करनी है, इसीलिए मैं सिर्फ एक प्लांट पर आपको करके दिखा रही हूँ। तो चलिए, अब इसको अपने प्लांट में डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉट तक पहुँचना मुश्किल है, मैं चेयर पर खड़ी हुई हूँ और आगे बहुत सारे प्लांट दिख रहे होंगे आपको। तो चलिए, बस मेथड देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपको अपने पॉट की मिट्टी जो है उसको एक बार गुड़ाई कर देनी है, ठीक है। और मैं इसमें क्या डालती हूँ वो भी कुछ दिनों में आप सबके साथ मैं वीडियो शेयर करूँगी। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखिए, तो मैं इसको रिपीट करती हूँ, एक महीने में दो बार डालती हूँ। और इसी प्लांट पर मैंने कुछ और भी ट्रीटमेंट कर रखा है, वो भी आप सबके साथ मैं शो करूँगी। पानी हम इसमें डाल देते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बना कर रखा है वही वाला। और मेरे सामने देखिए, यहाँ पर रोज़ का प्लांट रखा है, इसमें भी डाल देती हूँ मैं। तो ये है बेस्ट क्वालिटी का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो आपके प्लांट पर भर भर के फ्लावरिंग करेगा। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने इस पर कुछ ट्रीटमेंट कर रखे हैं दो। एक तो ये है आपके सामने, जहाँ से ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ये नीचे वाला, देखो दो ट्रीटमेंट कर रखे हैं। एक तो ये है जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हुई है, और एक इसके ऊपर है जिस पर अभी कोई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, ये जिस पर पंख दिख रहा है ना आपको, ये पंख अलग ब्रांच है ये। तो होप करती हूँ आज का मेरा छोटा सा वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।